हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही हेल्दी स्नैक, एकदम प्रोटीन रिच खांडवी। ये बेसन से बनता है और बेसन तो आपको पता ही है कितना हेल्दी होता है, एकदम फुल ऑफ प्रोटीन्स। ये एकदम ऑयल फ्री स्नैक है, बस हम इसमें थोड़ा सा तड़के में ही ऑयल यूज़ करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें परफेक्ट खांडवी बनाने के बहुत सारे टिप्स बताए हैं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खांडवी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, दही, नमक, हल्दी और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज मैंने क्रश करके रखी है। ये बोल से फ्रेंड्स मैंने बेसन लिया है, आप कोई भी बोल से जिससे मेजरमेंट कर रहे हैं सब चीज उसी से मेजर करके डालें। अब इसमें हम डालेंगे एक कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए तो खांडवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका मेजरमेंट फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें कि हमें एक कप बेसन में 3 कप लिक्विड डालना होता है। मैं यहाँ पे 1 बाउल दही डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें 2 बाउल पानी डाला है। अगर आप बटर मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 बाउल बटर मिल्क डाल सकते हैं। अगर इस मेजरमेंट से आप खांडवी बनाएंगे तो आपकी खांडवी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं और हरी मिर्च जो मैंने क्रश करके रखी है वो मिला देंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। थोड़े बहुत जो लम्स रह जाएंगे तो हम उसे छान के अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम खांडवी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक हैवी बॉटम पैन रखा है, मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है, इसमें खांडवी अच्छी बनती है फ्रेंड्स। अब हम इसे एक बार छान लेते हैं, अगर बेसन में थोड़े से लम्स रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। ये देखिए बैटर मैंने छान लिया है और जो कुछ लम्स बचे थे वो अलग भी हो गए हैं। अब हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते हुए पकाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने अभी हाई रखी है, आप इसे बीच में छोड़े नहीं तो बेसन में फिर से लम्स आ जाएंगे और बेसन नीचे चिपक भी सकता है। ये देखिए इसे हिलाते हुए मुझे कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, आप इसी तरह इसे हिलाते रहें। इसे बनने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन खाने में ये इतनी ही टेस्टी बनती है। ये देखिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि ये सेट होगी या नहीं। मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, उसे हल्का सा पानी से गीला कर लिया है। अब उसके ऊपर ये थोड़ा सा बैटर लगा के देखते हैं। अभी ये पूरी परफेक्ट बनी नहीं है, इसे अभी हमें और 5 से 7 मिनट पकाना है। अब देखिए फिर से हम चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। अब देखिए ये अच्छे से एकदम फोल्ड होने लग गई है, मतलब हमारी खांडवी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सेट करते हैं। मैंने एक स्टील की थाली ली है, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और पतला फैला देंगे। गैस की फ्लेम अब आप एकदम लो कर दीजिए और कढ़ाई को उसी के ऊपर रहने दीजिए जब तक आप फैला रहे हैं, नहीं तो ये ठंडी होके पूरी जम जाती है, फिर अच्छे से फैलेगी नहीं। आप चाहें तो फ्रेंड्स ये मार्बल का जो आपका किचन टॉप होता है आप उसे भी अच्छे से साफ करके उसके ऊपर भी फैला सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे से फैल जाती है और निकल जाती है खांडवी। अब 5 से 7 मिनट ठंडे होने के बाद हम इसे कट्स लगा देंगे। इस तरह लंबाई में मैंने कट्स लगा दिया है और मिडल में भी लगा देते हैं। अब एक एक खांडवी को हम रोल कर लेते हैं। खांडवी बनने में मुझे कम से कम 25 मिनट लगे हैं फ्रेंड्स और ये एकदम अच्छे से पक गई है। अगर ये पकी हुई नहीं होती ना तो ये रोल भी नहीं होती अच्छे से। इसी तरह से आप सारे रोल्स तैयार कर लें। अगर आप इस तरह रोल नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा मोटा फैलाएं और स्क्वायर्स में भी काट सकते हैं आप, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए अब हम खांडवी के लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है और 1 चम्मच राई डाली है। राई जब थोड़ी सी क्रैकल हो जाएगी तब उसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और हमारा तड़का तैयार है। अब खांडवी के ऊपर थोड़ा थोड़ा तड़का लगा देते हैं
और अब इसे हम धनिया और ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश करेंगे। लग रही है ना फ्रेंड्स कितनी टेम्पटिंग और डिलीशियस खांडवी। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी खांडवी भी बहुत परफेक्ट बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हेल्दी रेसिपी फ्रेंड्स जरूर ट्राई करें। इंजॉय।